मध्य प्रदेश में हर वक्त भाजपा और कांग्रेस सामने सामने रहती है। बार पलटवार का सिलसिला आए दिन देखने को मिलता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा और मुख्यमंत्री मोहन यादव तक को नसीहत दे डाली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने सीएम राइस स्कूल योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर जमकर निशाना साधा। पीसीसी चीफ ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में जो 1,07,00,000 बच्चे स्कूल एजुकेशन में पढ़ते थे, उनमें से 50,00,000 बच्चे स्कूल एजुकेशन से गायब हो चुके हैं और शिक्षा बजट 20,000 करोड़ का था, जो बढ़कर 32,000 का हो चुका है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा क्या कारण है जो शिक्षा बजट बढ़ रहा है और स्कूली बच्चे कम होते जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को नसीहत देते हुए कहा कि स्कूल एजुकेशन से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की क्लास लें और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है उस पर विचार करें। स्कूल शिक्षा का सत्र चालू हो रहा है। स्कूल शिक्षा में रोज अखबारों की सुर्खियां बनती है कि कहीं सीएम राइस स्कूल का नरसिंहपुर में छत गिर गया, 8 बच्चे घायल हो गए, 2 गंभीर हैं। स्कूल में टीचर नहीं है, डायरिया फैल रहा है और बिना छत से बरसात में ओपन पेड़ के नीचे बरसाती बांधकर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, रोज अखबारों की सुर्खियां बनता है। विषय यह है कि पिछले 10 साल में 50,00,000 बच्चे स्कूल एजुकेशन से गायब हुए, जो 1,07,00,000 बच्चे 10 साल पहले स्कूल एजुकेशन में पढ़ते थे, वो 50,00,000 बच्चे लगभग कम हो गए हैं और बजट जो उस समय 20,000 करोड़ रुपए का था, आज वो 30,000 से ऊपर करोड़ रुपए का है, स्कूल एजुकेशन 32,000 करोड़ रुपए का। तो ये मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि ये 3C की सरकार है, तो एक तरफ बच्चे घट रहे हैं और बजट बढ़ रहा है, तो ये क्या मैसेज है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।